अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं टॉप राइजिंग चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकान को भी हल्का सा पुश करें ताकि आने वाले वीडियो हर वक्त आप तक पहुँच सकें। भाइयों बहनों, दुनिया की तारीख में जलजले आते रहते हैं और इससे काफ़ी नुकसान भी होता है, लेकिन आज हम जिस जलजले की बात कर रहे हैं वो क्रिप्टो कॉइन मार्केट की तारीख में है। कुछ लोग ऐसे हो जो ऑफिस गए हो या किसी और काम के लिए गए हो या किसी वजह से वो अपना मोबाइल या कंप्यूटर ऑन नहीं करके देख सका, तो मैं आप लोगों को आज क्रिप्टो कॉइन की तारीख का एक भूंचाल जलजला दिखाना चाहता हूँ जिससे तकरीबन हर कॉइन मुतासिर हुआ है और हर बंदा मुतासिर हुआ होगा जो क्रिप्टो के रिलेटेड है। तो ये जलजला कब आया है, कैसे का तो नहीं पता, कब आया है ये आज की तारीख 27 अक्टूबर 2021 को 1300 बजे टाइम था। एक दो कॉइन्स को मैं देख रहा था, यानी अंडर ऑब्जर्वेशन थी, तो वो बिल्कुल सेम उसके ऊपर वो नीचे आना शुरू हुई और चंद सेकंड में पता नहीं लोगों के मिलियनों और अरबों डॉलर डूब गए होंगे। कहीं ऐसा भी हो जाता कि बजाय इसके कि कॉइन की प्राइस नीचे आती, अगर ये ऊपर जाते और आप लोग अपना कंप्यूटर लैपटॉप खोल के देखते या मोबाइल पे देखते कि आपके सारे फंड जो है ना वो सेल हो चुके हैं और आपको इतना प्रॉफिट हुआ है तो ये बड़ी खुशी की बात होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। बदकिस्मती सी क्रिप्टो मार्केट क्रश कर गई है और एक नहीं बल्कि सारे कॉइन और एक ही टाइम पे वो क्रश हुई हैं। मैं सबसे पहले जो अभी मैंने खोला है ये BTC पेयर है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये 1300 बजे टाइम है 27 अक्टूबर 2021, उस वक्त बेट कोइन 59,940 रुपये पर ट्रेड हो रहा था जब अचानक उसकी प्राइस नीचे आई है और नीचे आई है तो 57,940 पे पहुंच गई। ये परसेंटेज तो मैं नहीं मालूम कर सका हूँ ये कितने परसेंट आई है, और इसी तरह मैं आपको एक दो पेयर और चेक करा देता हूँ। ये इथेरियम का है, इथेरियम भी सेम उसी टाइम 1300 बजे 27 अक्टूबर 2021 ये ट्रेड हो रहा था 4135 पे, जब नीचे आया है तो 3930 पे ये इसकी प्राइस रुकी है, तब जाके वो भागी गया है। इसके बाद ये डॉट है, डॉट आप देख लें, ये भी ये किसी एक एक्सचेंज के साथ इस तरह नहीं हुआ है, ये तकरीबन हर एक्सचेंज के साथ यही मसला हुआ है। ये उस वक्त जो डॉट कॉइन है ये 43 पे जो है वो ट्रेडिंग हो रहा था तो नीचे ये 38 पे पहुंचा हुआ है। और इसके बाद ये LTC है, LTC के साथ भी वही हुआ है, 1300 बजे एग्जैक्ट टाइम है और कॉइन मार्केट क्रश कर गई है। तो आडा है, आडा ने तो कोई लंबा ही वो कैंडील बनाया है, 2.09 पे था या 2.10 पे था, तो ये 1.80 पे पहुंचा है। ये ओके एक्सचेंज पे था। इसी तरह सेम सूरत हाल जो है वो बिनांस के ऊपर भी है, उस पर भी यही चीज़ इसी तरह हुई है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 1300 बजे टाइम है और ये एक लंबी जो कैंडल बनी है ये इसी की BTC पेयर की है, तो ये सब के साथ यही आज मसला हुआ है। सोलाना है, सोलाना ने भी इसी तरह गया, ये 19 वैसे भी मार्केट नीचे जा रही थी लेकिन जो अचानक गई है और सारे कॉइन एक ही जैसे गए ये लम्हा फिक्री है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नीचे अभी
कैंडल बन के आई है, ये अगर ग्रीन होती और इधर तक बन जाती तो ये कितना ही अच्छा होता, सबका इसमें फायदा हो जाता। लेकिन तो ये चंद हकायक आपको बताने थे, आप लोग अभी किसी वजह से अगर इस टाइम को नहीं देख सके हैं, नहीं जज कर सके, मैं चलो एक इस पे वीडियो बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन हो और पता हो कि आज इस तरह का मसला हुआ है और ये पूरी कॉइन मार्केट के साथ हुआ है और पूरी कॉइन्स और टोकन कुछ भी है उन सब में यही चीज़ आपको मिलेगी अगर आप उसको चेक करते हैं। तो इसके साथ हमें इजाज़त दें, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकान को भी हल्का सा पुश करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारी दुआ है कि आप जहां रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।